नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टेक्निकल मुकाबला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को ईपीएफओ के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो आप लोगों ने पीएफ पोर्टल पर, पहले मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, तो आप लोगों ने पीएफ पोर्टल पर ये दो नई नोटिफिकेशन तो 100% देखी ही देखी होंगी। और देखते ही आप लोगों के मन में ये भी ख्याल आया होगा कि ईपीएफओ इस नोटिफिकेशन के जरिए, इस नए अपडेट के जरिए हम लोगों को क्या बताना चाहता है। और आज की इसी वीडियो में मैं आप लोगों को 100% स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जो दो नई नोटिफिकेशन है इसका मतलब क्या होने वाला है, इस अपडेट से हम लोगों को क्या प्रॉफिट होने वाले हैं, कहां पर हम लोगों को पीएफ पोर्टल में अपडेट देखने को मिलने वाला है, सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और इस वक्त हम लोग ईपीएफओ की एक ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, जिसका जो लिंक है वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो अपडेट है, जो नोटिफिकेशन, वो आपको पीएफ पोर्टल में कहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, तो सिंपली सबसे पहले देखिए फ्रंट पेज पे आपके सामने ऑप्शन आएगा डियर ईपीएफ मेंबर्स, और उसके नीचे जो दो नए अपडेट है, जो दो नई नोटिफिकेशन है, वो आपको देखने को मिलेगी। पहला क्या है, नोटिफिकेशन ऑफ सेक्शन 142 ऑफ द कोड ऑफ द सोशल सिक्योरिटी 2020, क्लिक हेयर टू रीड। मतलब यहाँ पे सेक्शन 142 का जो सोशल सिक्योरिटी की जो पीडीएफ है वो है, आप रीड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अब देखिए, दूसरा जो नोटिस है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट नोटिस अबाउट सेक्शन 142 ऑफ द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, क्लिक हेयर टू रीड। ठीक है, तो हमें सिंपली यहाँ पे जो दो अपडेट है, जो दो नोटिफिकेशन है, वो पीएफ पोर्टल पर देखने को मिलती हैं। तो हमें सिंपली करना क्या है, पहले वाले लिंक पे, जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट लिंक है उस पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर टू रीड पे। और उसके बाद आप देखिए यहाँ एक ऑप्शन है डाउनलोड का, तो आपको डाउनलोड करना है। अब देखिए, जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आपके सामने यहाँ एक इंटरफेस आएगा, जो पीडीएफ एक ओपन हो जाएगी। देखिए ओपन हो चुकी है, जहाँ लिखा है भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको जो द गैजेट ऑफ इंडिया है उसके बारे में बताया गया है और धारा 142 के बारे में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 30 अप्रैल 2021, केंद्रीय सरकार साधारण खंड अधिनियम 1897 का 10 की धारा 14 के साथ पठित सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के 36 की धारा की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 मई 2021, अब आप लोगों को ध्यान से यहाँ सुनना है, 3 मई 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको संहिता की धारा 142 के उपबंध प्रवृत्त होंगे। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आया होगा। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जितने भी पीएफ मेंबर्स हैं उनके आधार कार्ड की डिटेल ली जाएगी और उस पर धारा 142 लगाई जाएगी। ठीक है, अब धारा 142 क्या है, धारा 142 का बहुत ही सिंपल मतलब है कि जितने भी पीएफ मेंबर्स हैं उनके आधार कार्ड की डिटेल ली जाएगी और उससे ये पता किया जाएगा कि जितने पीएफ मेंबर्स हैं उन्हें जो भी सरकारी स्कीम है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, उनका जो प्रॉफिट है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मतलब सरकारी स्कीम उन्हें मिल रही है नहीं मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है तो उन्हें दी जाए। ठीक है, इसका सिंपल सा यही मतलब है कि आधार कार्ड की डिटेल ली जाएगी और उनसे पता लगाया जाएगा कि आप लोगों को सरकारी जो योजना है उनका फ़ायदा आप उठा पा रहे हो नहीं उठा पा रहे हो, और नहीं उठा पा रहे हो तो आपको सरकारी जो स्कीम है वो दिलाई जाए, बस। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए मैं बैक आता हूँ और दूसरी पीडीएफ ओपन करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोटिस अबाउट सेक्शन 142 वाली क्लिक हेयर टू रीड करता हूँ मैं। अब उसके बाद हमें इसे भी डाउनलोड करना है। अब सिंपली डाउनलोड करते ही हमारे सामने एक नई पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ लिखा हुआ है, डियर मेंबर्स, इट इज़ इन्फॉर्म दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UIDE SO 1730E हैज अपॉइंटेड द 3rd day of May 2021 एज द डेट ऑन विच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 142 ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 सेल कम इन टू फोर्स। इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर द कंप्लीएंस ऑफ द अबव प्रोविजन विद इमीडिएट इफेक्ट। अब जो मैंने आपको हिंदी में वहाँ पढ़ के बताया उसी की इंग्लिश यहाँ दी हुई है कि जितने भी पीएफ मेंबर्स हैं उनसे 3 मई 2021 से उनके आधार कार्ड की डिटेल ली जाएगी और उस पर धारा 142 लगाई जाएगी। धारा 142 में सिंपल है क्या कि जो भी आपकी आधार कार्ड की डिटेल है वो ली जाएगी और उससे सिंपली पता लगाया जाएगा कि आप किन किन सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा उठा पा रहे हो नहीं उठा पा रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। और जो दोनों ये पीडीएफ है उनका जो लिंक है मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा।
ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अपडेट समझ आया होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो नई सरकारी स्कीम्स हैं, सरकारी योजना है, उनका फ़ायदा उठा पाओगे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन के जरिए आप लोगों को EPFO के नए अपडेट के बारे में बताया, सब कुछ एक्सप्लेन किया और साथ ही साथ जो PDF थी उसे भी ओपन करके बताया आप लोगों को, और जो उसकी इंग्लिश की हिंदी थी वो भी आप लोगों को मैंने ट्रांसलेट करके बताया कि भाई जो लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते वो हिंदी में आराम से समझ पाएँ। और देखिए अभी बहुत से लोग कहाँ कन्फ्यूज हैं कि धारा 142 क्या है। अब देखिए इसमें सिंपली ये है, जितने भी PF मेंबर्स हैं उन सभी की आधार कार्ड की डिटेल ली जा रही है और उनसे ये पता लगाया जा रहा है कि किन किन PF मेंबर्स को जो भी गवर्नमेंट स्कीम है, सरकारी योजनाएं हैं, उनका फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है उन्हें वो फ़ायदा प्रोवाइड कराया जाए, उन्हें प्रॉफिट प्रोवाइड कराया जाए। बस धारा 142 का यही मतलब है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों इसी तरह की PF से रिलेटेड मददगार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।